दोस्तों पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आप सभी का स्वागत है और चीयर्स। और आज हमारे साथ एक जबरदस्त लीडरशिप कपल है दोस्तों, जो कहा जैसा कि सब जानते हैं कि जो जिद्दी होता है वही कुछ इतिहास रचता है, जो जिद्दी होता है वही अचीवर होता है। जिसने जिद नहीं ठानी उसने हमेशा हार मानी, लेकिन जिसने जिद ठान ली वो कभी हार नहीं मानता, वो जीत के ही रहता है। और आज ऐसे ही एक विजेता कपल से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनके पास नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव बहुत पुराना है, साथ ही साथ एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल डिग्री से है। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि वो स्टोरी वो अपने मुंह से सुनाएंगे कि कैसे क्या क्या लाइफ में करते हुए और आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और किस प्रकार हमारे साथ इस बिजनेस में आए वो भी एक स्टोरी है जो आज उन्हीं से आप सुनेंगे। तो दोस्तों हम देर ना करते हुए बुलाना चाहते हैं हमारे जमशेदपुर से एक बहुत खूबसूरत कपल, हमेशा एवर स्माइलिंग, हमेशा पॉजिटिविटी से लवरेज कपल, राजेश सर एंड वंदना मैम, वेलकम। गुड थैंक यू थैंक मॉर्निंग। आप सबों को मॉर्निंग, ढेर सारा धन्यवाद गुड सर, ढेर मॉर्निंग सारा सर। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनुप सर ने ज्यादा ही क्या मेरी बात तारीफ कर दी, ऐसे मैं तारीफ के काबिल नहीं हूँ, बस हाँ थोड़ा सा मेहनत करना जानता हूँ, और मेहनत करते करते कब अरसा बीत गया पता ही नहीं चला। मेरा नाम राजेश, रहने वाला मैं, ऑरिजिन तो बिहार का है लेकिन पढ़ाई लिखाई सब मेरी जमशेदपुर में हुई। पापा यहीं टाटा मोटर्स में नौकरी कर रहे थे और मैं भी यहाँ खेल कर बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई सब यहीं चल रही थी। ये बात है 1985 की, जब मैं मैट्रिक दिया, और 1985 में मुझे याद है कि लालू की सरकार आई थी, उस समय बिहार और झारखंड बटा नहीं था और उसने एजुकेशन को बहुत टाइट किया था। हालांकि मैं पढ़ने में अच्छा था, हमारे लिए कोई ट्यूटर नहीं था, हमारे लिए पापा ही ट्यूटर थे, पापा ही पढ़ाते थे। एक टाटा मोटर्स के टेल्को के मैं क्वार्टर में रहता था, दो कमरे का मकान था, और मुझे याद है कि कुछ लोग हमारे पुराने लोग वहां गए भी हैं उस घर में। 1985 में जब मैं मैट्रिक परीक्षा दे रहा था, एग्जाम दे रहा था, तो उस समय एजुकेशन को बहुत टाइट किया हुआ, और एजुकेशन पूरे बिहार का जो रिजल्ट आया था वो 13% था टोटल। उस 13% पे मेरे स्कूल में जो रिजल्ट था वो सिर्फ और सिर्फ 23 लोग फर्स्ट डिवीजन पास किए थे, बाकी लोग सारे सेकंड डिवीजन कुछ थे, थर्ड डिवीजन करीब करीब वो भी बहुत थोड़े थे। और उस फर्स्ट डिवीजन में मैं भी थर्ड पोजीशन पे था अपने स्कूल में, पूरे स्कूल में, और एक फर्स्ट डिवीजन में 86% मार्क्स उस समय था। और ये मेरी सबसे पहली खुशी थी, जबकि मैं बदमाश बहुत था, पढ़ना मतलब दिमाग कुशाग्र था लेकिन पढ़ता नहीं था जल्दी, लेकिन ये जिद थी कि मेरे को मैट्रिक में अच्छा करना है। और उतनी कड़ाई होने के बावजूद भी मैंने, बहुत अच्छा था वो मेरे लिए, पापा बहुत खुश थे, वो मेरी जिंदगी की पहली खुशी थी। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी यहाँ पे, लेकिन फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चूंकि मुझे लोगों को मनाना आता है, मैं लोगों को मना ले जाता हूँ, इससे बाबूजी को भी मना ले गया और उनको भी कन्विंस करने में मैं सक्षम रहा कि पापा इंजीनियरिंग अच्छी होती है। बोले कि इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ाई के खर्चे नहीं मिलेंगे, हम लोग कोई बात नहीं पापा, इंजीनियरिंग में खर्च नहीं लगते, क्योंकि पापा को पता था कि ये जिद कर रहा है बेहतर करेगा। और स्थिति ये हुई कि इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ और पहली बार में दाखिला हो गया। और मैं कॉलेज में जब दाखिला हुआ तो स्थिति ये थी कि लोग बोलते थे कि किस बिहाफ पे इंजीनियरिंग कर लोगे यार, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं। लेकिन फिर भी पहले अटेम्प्ट में हुआ, ये मेरे लिए दूसरी सबसे बड़ी खुशी थी। बाबूजी कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन पैकेट खर्च और फिर स्कूल के फी के खर्च मिलने बंद हो गए। सर
इंजीनियरिंग में होना मेरा दूसरा सबसे बड़ा कोर्स था और वहां से अब मेरे जद्दोजहद स्टार्ट होने थे। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ा के मैं अपने फीस को भी भरता था, और चूंकि शुरू से ही पहनने का बहुत शौक रहा, बड़ा स्टाइल में रहने की कोशिश किया हूँ। स्टाइल कभी भी अपने अपने स्टाइल को कभी भी मैंने खराब नहीं किया, और अच्छा कमाता था उस समय भी ट्यूशन पढ़ा के, और ट्यूशन पढ़ा के ही अपने फीस को भी भरता था, और कॉलेज भी बड़े रंग से चल रही थी। कभी मेरे को याद भी नहीं है कि पूरे 4 साल के दौरान, कॉलेज में पढ़ाई के 4 साल के दौरान, पापा के पास एक राजदूत हुआ करता था, और कभी कभार मुझे चोरी से गाड़ी चलाने को मिलता था, तो मुझे तेल भराने का कभी दिक्कत नहीं आई, कभी भी दिक्कत नहीं आई, ना मुझे कपड़े पहनने के कभी दिक्कत आया, जबकि कहीं से कुछ भी नहीं मिलता था। इतनी इंजीनियरिंग कॉलेज की गर्मा गर्मी थी, लेकिन वहां से कैंपस सिलेक्शन कंपनी का हुआ, और उसमें 2-3 कंपनी थे, लेकिन चूज मैंने टाटा मोटर से किया। तकरीबन 250 लोगों ने एग्जाम दिया, जिसमें 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और ये लखनऊ टाटा मोटर्स के लिए सिलेक्ट हुए थे। हालांकि लखनऊ सुन के अच्छा लगता था, लेकिन जमशेदपुर से जाने का कभी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि नौकरी नहीं करना चाहता था मैं, कभी भी नौकरी नहीं करना चाहता था। और 22 साल का उम्र, जिस समय हमारे सारे दोस्त खेल रहे थे, और वो वक्त मैं नौकरी करने के लिए सोच के थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, हम लोग घर से बहुत स्ट्रांग थे, बहुत बड़ा परिवार था, एक लंबा चौड़ा फैमिली था गांव में, आज भी हम लोग 250 बीघा के जोतदार हैं, लेकिन खेत आपके पास कितने भी हो जाए फर्क उससे नहीं पड़ता है। लोगों को ये लग रहा था कि नौकरी करनी, और मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन हम 4 भाई बहनों में एक हम सबसे बड़े थे, और पापा कमाने वाले अकेले थे, तो चीजें ये लग रही थी कि नहीं, हमें भी साथ देना चाहिए। और मैं वहां से निकला, एक हाथ में बेडिंग और दूसरे हाथ में एक अटैची, चल दिया मैं लखनऊ नवाबों के शहर। कभी उसको लूडो में देखा करता था, मैं व्यापारी में देखा करता था कि लखनऊ जैसा शहर, लखनऊ मसाला पहुंचा, बहुत ही हसीन शहर है, और वाकई वो नवाबों का शहर है, हसीनाओं का शहर है, बहुत सुंदर शहर है। लेकिन पता नहीं, मुझे रास नहीं आ रहा था। बैचलर था, आता तो कुछ भी नहीं था, ना खाना बनाना आता था, ना घर संभालने आता था, लेकिन कोई एक अजीब वक्त था, बोलते हैं ना कि जब जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। मामा बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी हमारी, और पापा चिट्ठी लिखा करते थे, उस समय चिट्ठी का जमाना था दोस्तों, मोबाइल फोन नहीं थे उस समय, और ये सन 92 की बात है, 92 की बात है, और पापा चिट्ठी जब भी लिखा करते थे तो उसमें मामा एक रेसिपी बना के लिखती थी। और ये तब की बात है जब मैं 3 महीना होटल में खा चुका था, और हमारे पेट में पथरी का ऑपरेशन हो गया उसी 3 महीने के दौरान, और मैं जमशेदपुर आ गया, फिर वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर बोले ना कि वो मोह माया आपको कहीं ना कहीं प्रेशर देता है कि नहीं आगे बढ़ना चाहिए आपको जिंदगी भाई, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मैं करता भी क्या करता। वापस मैं लखनऊ गया, लेकिन मामा को बड़ा तकलीफ होता था, लगता था कि उसकी शादी करा देनी चाहिए। उम्र सिर्फ 24 साल, और मामा ने देखना शुरू किया, स्थिति ये आई, वक्त गुजरा, और बहुत कम समय में एक बड़ी प्यारी सी बीवी नसीब हुई। मैं फूले नहीं समा रहा था, सचमुच मेरे लिए ये एक थैंक्स टू गॉड कि मैं जब जब जो जो सोचा हूं वो भगवान ने मेरे को दिया है,
थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है। बीवी के लिए मेहनत ये करनी पड़ी कि मामा जी लोग बहुत चाहते थे मेरे को, और मामा जी से बात होती थी तो वो कहते थे, तो उधर से किसी तरह से होके एक खूबसूरत बीवी का सौगात मुझे मिला। पहली बार मैं लखनऊ लेके गया, और ये मेरी दूसरी खुशी थी, तीसरी खुशी थी जिंदगी की। पहला खुशी मैंने मैट्रिक में उतने तकलीफ के समय में फर्स्ट डिवीजन पास किया 86% मार्क्स से। दूसरी खुशी मेरी इंजीनियरिंग में पहली बार दाखिला हुआ, और तीसरी खुशी मेरी शादी का। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ के बाद ये नहीं पता था कि जिंदगी कुछ और करवट बदलने वाली है। भगवान की दया से एक सुंदर बीवी जब मिलती है तो लोगों को लगने लगता है कि पता नहीं अब इसके लिए क्या तोड़ के ला दूं, ये जो मांगे वो करके पूरा कर दूं इसको। और इसी उधेड़बुन में सपने खींचते चले गए, बड़े होते चले गए, और जैसे जैसे बड़े हो रहे थे सपने, वैसे वैसे भारी हो रहे थे वो। बहुत सारे जद्दोजहद किया, बीच में कुछ टिफिन सिस्टम का काम शुरू किया हम और वाइफ दोनों ने, क्योंकि इसके सपने भी छोटे नहीं थे। हम दोनों ने मिलकर टिफिन सिस्टम लखनऊ में स्टार्ट किया, वो भी बहुत अच्छा नहीं चला। फिर उसके बाद फर्नीचर के दुकान स्टार्ट किया मैंने वहां पे, उसमें भी मैंने बहुत मेहनत किया। रात रात भर मैं लोगों के पास मैं लकड़ी के लिए बैठा रहता था, वहीं मैं उस लेबर के साथ बैठ के खाना खाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसा नहीं कमा रहा था, पैसा कमा रहा था, उसी में लोग 50% बचा ले जा रहे थे, और 15 तारीख आते आते मेरे पैसे खत्म हो जाते थे। कारण के खर्चे शुरू से बहुत बड़े थे, लोगों ने, मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी लोगों से, और वो डिफरेंट ये थी कि लोग अपने आमदनी को जो उनको मिल रहा है उसी में वो बचाना शुरू करते हैं, लेकिन मैं अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहता था। मैं अपने खर्चे को कभी रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि इस बात को मैं जानता था कि अगर खर्चे को रोक लिया तो मेरे सपने छोटे हो जाएंगे, और अगर सपने छोटे हो गए तो मैं एटलीस्ट नहीं जी पाऊंगा। जिंदगी वहां से स्ट्रगल स्टार्ट हुई। अचानक किसी बीच एक शख्स पटना से लखनऊ आए, उन्होंने बताया कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, हमारे पास कुछ ऐसा है कि जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। 2 दिन वो हमारे घर पे ही रुक के, मैं ड्यूटी चला जाता था, लेकिन मेरे को लगता था यार जिंदगी कैसे बदल जाएगी। मैं शाम को जब ड्यूटी से पहुंचा तो उन्होंने बोला कि पैसे नहीं लगते। मैं रात को जब सोने जाता तो बीवी को बोलता यार ये कौन सा बिजनेस है जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, और कहते हैं जिंदगी बदल जाएगी। वाइफ ने कहा कि एक बार चेक करके देख लो आप, अगर कह रहे हैं तो चेक करके देखना चाहिए। फिर क्या था, मैंने चेक क्या किया, मुझे दिखाने वाले एक बड़े अच्छे लेवल पे थे जिसको शायद उस समय सिल्वर कहते थे, उनसे मैं डेमोन्स्ट्रेशन देख रहा था। जिनके प्लान सुनने थे वो उस समय एमरल्ड थे, उनके प्लान में देख रहा था, और एक सप्ताह के बाद जिनका सेमिनार मेरे को जाना था वो डायमंड थे। जिंदगी यहां से मोड़ ले ली, और मोड़ ले ली कि यही वो जिंदगी है जहां से मेरे पंख अब रुकेंगे नहीं, बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े, जहां पे मैं आसमान को छूने की ताकत रखता हूं। और ये विश्वास उस दिन हुआ, और मैं मेहनत करने लगा। लखनऊ छोड़ के मैं पटना चला आता था, पटना मेहनत करता था। कंपनी एक दिन भी बंद होती थी तो मेरे को लगता था कि किसी तरह से मैं भागूं बिहार, और बिहार में जाके, चूंकि मैं चाहता था कि अपने जगह पे बिजनेस करना चाहता था, अपना एरिया था, अपने परिवार थे। जब एक वक्त ऐसा आया कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि
एक दिन मैं उस डायमंड के साथ बैठा हुआ था और हमारे बीच जो आज शख्स बैठे हुए हैं उसमें से भी कुछ लोग उस दिन मीटिंग में बैठे हुए थे और मेरे अपलाइन डायमंड से मिला रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप 20 साल पीछे हो जाइए, क्योंकि ऑप्शन दोस्तों आदमी को पीछे कर देता है। अगर एक छोटे से उदाहरण पे अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आपके पास चप्पल है और जूता भी है और आपको किसी ने आवाज दी तुरंत क्या पहनना चाहेंगे आप? आपके दिमाग में आपके जहन में वो जवाब आ गए होंगे, लेकिन अगर उन चप्पल को चप्पल के ऑप्शन को भगा दिया हटा दिया जाए तो तुरंत भी अगर आपको कोई बुलाएगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, जूता ही पहनना पड़ेगा। यानी आपके पोस्चर में कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी, हर वक्त 24 घंटे आप उसी पोस्चर में दिखोगे। मुझे लगा कि मुझे ऑप्शन तोड़ देने चाहिए और मैंने नौकरी छोड़ दी। ये भूचाल था हमारे घर के लिए। जिस बेबी की शादी एक इंजीनियर के साथ हुई थी, जिसने अपने मोहल्ले में ये कह के रखा था कि मेरा पति तो इंजीनियर है, वो पति उस नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाबूजी 3 दिन खाना नहीं खाए और बीवी 6 महीने बात नहीं की। ये मेरे लिए जिंदगी का वो मोड़ था जहां से फिर या तो मुझे वापस जाना था या फिर मेरे को सारा मोह माया त्याग के वापस आगे बढ़ते जाना था। दोस्तों हाँ, मैंने वही किया जो वाकई हमारे जैसे लोग सोच रहे होंगे। मैं छोड़ दिया वो मोह माया। बाबूजी को मैंने समझाया कि मेरी जिंदगी है, मुझे कैसे जीना है ये मुझे समझ में आती है। टीवी से मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन 6 महीने बाद समझाने में सफल हो गया कि जीवन में जीवन के उस मुकाम पे मेरे मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ा सा मोहलत दे दो, जीवन के उस मुकाम पे हम आपको लेके जरूर चलेंगे जहां पे सिर्फ आपके एक हाथ बढ़ाने मात्र ही सारी फैसिलिटीज आपके उस उंगली पे होंगी। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं कहूं कि जीवन में मुझे अगर बीवी मिली तो सचमुच बहुत किस्मत वाले हम हैं कि मुझे याद है आज भी कि मैं रात को 1:30 बजे रात को भी आता था तो सिर्फ इसकी हंसी देख के मैं खुश हो जाता था। वो रात को चाहे जितने भी रात को मैं पहुंचू, गर्म रोटी ही आज तक खाया हूं, कभी ठंडे रोटी नसीब नहीं होने दिए, चाहे जितनी भी तकलीफ में रहा। एमबे में अपलाइन ने कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ कर दी जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा और मैं उस कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन जब मैं पहली बार पटना पहुंचा था डायमंड के सेमिनार में, तो एक शख्स उस पूरे हॉल के बाहर खड़े थे और वो अपने सारे कंसल्टेंट को बड़े प्यार से अंदर भेज रहे थे, वो जल्दी करो लेट हो जाएगी। और उस शख्स को मैं बहुत देर से देख रहा था क्योंकि मैं किसी का इंतजार कर रहा था और वो शख्स कोई और नहीं था, हमारे बीच बैठे हुए हैं नवनीत सर। उनको कर जोर के और उस दिन मैंने सोचा कि अगर नवनीत सर हमारे अपलाइन होते तो शायद मैं आसमान पे होता, लेकिन सपने पूरे नहीं होते हैं ऐसा उस समय लगता था। दोस्तों मैंने उस जगह को छोड़ दिया, जिंदगी वहां से बदली। मैं पूरी दुनिया ही उस पूरे ग्रुप को ही मैंने छोड़ दिया, मुझे किसी के साथ कोई संपर्क नहीं था। नवनीत भैया के साथ एक आध बार मैं फेसबुक में मिल लिया करता था, कभी कभार फेसबुक में होते थे। मैं उस पूरी दुनिया को छोड़ के आ गया था क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे बदनाम करने में, मुझे बर्बाद करने में कोई भी कसर उन्होंने नहीं छोड़ी थी। वक्त गुजरा, मैं वहां से चला आया एक नई दुनिया कायम करने के लिए और उसके बाद हिंदुस्तान लीवर में मैं ज्वाइन किया। हिंदुस्तान लीवर भी एमबे को बर्बाद करने के लिए आई थी, इसलिए वो भी नहीं चल पाई।
चार महीने के दौरान हमारे 23-24 लोगों का पे आउट फंस गया था। उस पे आउट को दिलाने के चक्कर में हमारा रीजनल मैनेजर के साथ झगड़ा हुआ और हम लोग सारे लोगों ने उस कंपनी को भी छोड़ दी। जिंदगी की तीसरी उड़ान बाइनरी पर थी। मैं हार जरूर गया था दोस्तों, मैं सफल नहीं हो पाया था, लेकिन सफल होने का मतलब ये नहीं था कि मैं असफल हो गया था। सफलता नहीं मिली इसका मतलब असफलता हमें मिल गई, ये नहीं होता है। हम सिर्फ सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि अक्सर दोस्तों होता क्या है कि हम लोग डरना हमें चाहिए सफलता से और हम डर जाते हैं असफलता से, और उससे डरने की जरूरत ही नहीं। हमें तो सिर्फ सफल होने के लिए मेहनत करना है और उससे डरना है कि हमारी मेहनत में कहीं कोई कसर न रह जाए, कि हमारी सफलता हमसे छूट जाए। असफलता की तो यहां कोई बात ही नहीं। उस दुनिया को छोड़ा, सीखना जरूरी था दोस्तों, सीखना जरूरी था। और वो सीखने के लिए सुनना जरूरी था, सहना जरूरी था। सीखने के लिए सुनना और सहना जरूरी होता है दोस्तों, वरना फितरत से हर शख्स बादशाह होता है। लेकिन ये वक्त था सीखने और सुनने के। बादशाहियत हमारे सीखने और सहने से पहले नहीं आ सकती, बादशाहियत हमारे सीखने और सहने के बाद ही आएगी। बादशाह मैं भी था, बादशाहत मेरे अंदर भी जन्म ले रही थी, लेकिन मुझे सीखना जरूरी था और मैं पहली बार बाइनरी सीखा था, पहली बार बाइनरी सीखा था। 7 दिन 7 अपने आईडी को लेकर 1 महीने में उस आईडी को कैपिंग पे पहुंचाया था, और वो मेरे जीवन का 4th सबसे बड़ा खुशी था कि मैं पैसा कमाया हूं। 7 आईडी मैंने लिया था, 1 महीने में कैपिंग हो गई थी और 1 आईडी पे 62,000 रुपया कट के आता था। 13 महीने में 80 लाख रुपए से ऊपर कमाया था और वहां पे लगने लगी थी कि जिंदगी अब सेटल हो जाएगी। भूल थी दोस्तों, बहुत बड़ी भूल थी कि नेटवर्क इंडस्ट्री में ये उस जगह पे सोचना कि हम सेटल हो गए जहां पे बाइनरी चलती हो, वो कैलकुलेशन उस कंपनी के बंद होने के बाद समझ में आई। चार साल मैंने फिर कोई नेटवर्क नहीं किया। एक ऐसा हादसा उस नेटवर्क के अंदर हुआ 13 महीने के बाद कि हमारे ही अपलाइन आके हमारे ही आईडी को तोड़ के दूसरी स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे। 4 साल मैंने सोच लिया था कि मुझे अब नेटवर्क नहीं करना, लेकिन नवनीत सर बड़ा प्यार से कहते हैं ना कि जिसको नेटवर्क का एक बार कीड़ा काट ले वो फिर नहीं नेटवर्क करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 2009 में बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, रेसेशन का पीरियड आया, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में चलाया था, रेसेशन का पीरियड आया और वो रेसेशन का पीरियड हमारा कमर तोड़ दिया। फिर से वो जिंदगी स्टार्ट हुई और इस बार की जिंदगी सिर्फ 1.5 महीने की थी, इसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि दिवाली का फटाका बेचा करता था, 1 महीने बेचता था, पूरे साल भर खाता था, लेकिन वो दुनिया बड़ी गंदी थी, वो दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं थी। और चूंकि मैं भटक चुका था, अब उस दुनिया में जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगर आप में से कोई लोग भटक गए हो, जो दिख रहे हो उन्हें जरूर ये रास्ता दिखाइए, क्योंकि मैं भटक चुका था और मुझे रास्ता दिखाने की ताकत शायद किसी में नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे कोई प्लान दिखा ले, क्योंकि मैं उस दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। प्लान शुरू होने से पहले मैं उस कंपनी के अंदर होता था
और बेंत यहाँ पैसा कमाता था सिर्फ एक आध महीने में ही। जिंदगी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, अब जिंदगी को पीछे मुड़ के देखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। अचानक 19 साल के बाद एक शख्स ने मुझे आवाज लगाई, उन्होंने फोन किया और मैं उनकी आवाज, मैं चाह रहा था कि मैं कैसे 2 मिनट में मिल लूं, और वो कोई और शख्स नहीं थे, वो रवि सर थे जिन्होंने रांची से मुझे फोन किया। और मैं इतना बावला हो गया था कि मैं उनको बोला कि सर एक काम करो, वो बोले कि मेरे को 2 घंटे ही रुकना है। मैं बोला कि सर आप एक काम करो, मैं अभी निकलूंगा। तो इतनी देर में मैं 60-70 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाऊंगा, आप भी 60-70 किलोमीटर आ जाओ, बस आपको देख लूंगा और फिर आप चले जाना, हम भी चले आएंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं राजेश, अगली बार मैं आ रहा हूँ और पक्का इस बार तुम्हारे साथ ही बैठूंगा और पक्का मिलके जाऊंगा। दूसरी बार फिर उनका सही वक्त उनका फोन आ गया, क्योंकि वो जो कहते हैं वो उनके करने की आदत है। और उन्होंने फोन किया, मैं उनके पास पहुंचा और वहां नवनीत भैया होटल में बैठे हुए थे और नवनीत भैया एक डेमो दिखा रहे थे। और मैं बैठ के डेमो देखने लगा। दोस्तों जिंदगी में किसी ख्वाब की कमी नहीं रह गई थी, मैं जो चाहता था उसको मैं हासिल कर लेता था और मैंने वो सब कुछ पाया जो मुझे चाहिए था, जिसके लिए मैंने नौकरी छोड़ा था। वो सारे परिवार जो बिखर चुके थे, वो सारे परिवार वापस उस दुनिया में पहुंच गए। लेकिन यहां पे जो उन्होंने डेमो जो दिखा रहे थे नवनीत सर, वो मैं बैठे देख रहा था और 19 साल पीछे के रिकॉर्डिंग रिवाइंड हो रहे थे, और रिवाइंड भी ऐसा कि एक एक चीज याद आने लगी कि अगर पेस्ट कोलगेट के भाव का होता तो क्या होता। प्लान अगर फिर 1 तारीख को 0 ना हुआ होता तो क्या होता। मेरा अपलाइन नवनीत सर होते तो क्या होता। ये सारी बातें मैं वहां पे सिट कर करके देख रहा था। प्लान खत्म हुआ, रवि सर तो ये सोच रहे थे कि राजेश नहीं जुड़ेगा, क्योंकि राजेश की दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है। मैं प्रोडक्ट बेस में हूँ, वो इन्वेस्टमेंट प्लान में है, और इन्वेस्टमेंट प्लान में दोस्तों मेरे पैर जमीन पे नहीं थे। मैं बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे इस मीटिंग में बैठे हुए, मेरे पैर जमीन पे नहीं टिकते थे। मैं जमशेदपुर के अंदर जल्दी किसी से बात नहीं करता था, और मुझे प्लान दिखाने की किसी को हिम्मत नहीं थी। वो तो फिर रवीश भी थे और नवनीत सर थे। सारा प्लान खत्म होने के बाद मैं चुपचाप बैठा रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बोला सर करना क्या है। तो रवि सर बहुत जोर से हंसने लगे, नवनीत सर बहुत जोर से हंसने लगे कि ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए था आपसे कि करना क्या है आपको। मैं बोला नहीं सर, करना क्या है बताइए। रवि सर को 3 बजे वापस जाना था छत्तीसगढ़ की तरफ, उनको रात को मैं ट्रेन पकड़ाने के लिए गया, और हम नवनीत सर रवि सर तीनों गए उनको कार से ट्रेन स्टेशन, वहीं पे बहुत सारी बातें हुई। बस थोड़े से मन को बनाना जरूरी था, थोड़ा सा मन को मनाना जरूरी था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान की दुनिया को छोड़ के निकलने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि लालच आपको बांध के रखता है। और मैं अपनी धर्मपत्नी से, इकलौती धर्मपत्नी से पूछना शुरू किया कि क्या करना है। तो इनका बस एक ही राय था, क्योंकि इन 20 सालों में इस नेटवर्क की दुनिया में
मैंने कभी इसका साथ नहीं लिया, क्योंकि वो दुनिया नहीं थी जहां पे इनको जाना जरूरी था। कल मैं बहुत खुश था, परसों दो दिन पहले मैं बहुत खुश था, और हम लोग दोनों हर्षोल्लास से भरे हुए थे और दोनों दिव्या गोपाल को देख रहे थे। हम लोग दोनों इतने खुश थे और बार बार ये ताना मार रही थी कि बहुत पहले से ये बिजनेस कर रहे होते हैं हम लोग, तो हम लोग भी इसी तरह से दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। दोस्तों, ये सबका सपना होता है, हम सब एक साथ चलना चाहते हैं इस बिजनेस को। यकीन मानिए दोस्तों, ये दुनिया इतनी बड़ी है, ये दुनिया इतनी बड़ी है कि जिसको आप अपने अंदर समाने की कोशिश करोगे नहीं समा पाएगा। इतनी करुणा है इस दुनिया के अंदर, इतना प्यार है इस दुनिया के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा कौम है ये नेटवर्क इंडस्ट्री। लेडीज सबसे ज्यादा सेफेस्ट हैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। इससे बड़ी कौम, इससे बड़ा सेफेस्ट दुनिया, इससे बड़ी करुणा भरी दुनिया, इससे बड़ा प्यार भरा दुनिया आप सोच के देख लो एक बार, आपको नहीं मिल सकता है दोस्तों, नहीं मिल सकता है। मुझे 2 महीने लगे अपने डिसीजन को क्लियर करने में, क्योंकि पिछले सारे जितने अपलाइंस थे वो सब मुझे वाकई बहुत प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, वो उनका प्यार आज भी मुझे मिलता है। वो सारे लोग कहते थे कहाँ जा रहे हो राजेश, कहाँ जा रहे हो, तुमसे ये प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होगा, बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, मेहनत तो लगती है, लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं, अब भागना नहीं चाहता हूं। कितने लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राजेश सर इन्वेस्टमेंट प्लान को छोड़ देंगे, नहीं हो सकता ये, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। साल भर तक लोगों के पास मेरे पास फोन आता रहा, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, अब राजेश जी वहां से मोड़ नहीं सकते हैं, तब लोगों को बिलीव होने लग गया। क्या वो खैर, 2 महीने लगे, थैंक्स टू रवि सर, थैंक्स टू नवनीत सर। यहां पे एक बात और जरूर बोलना चाहूंगा कि आज दुनिया में अगर 1 करोड़ के घर में आज मैं रह रहा हूं, आज वो सारे ऐशो आराम मेरे पास हैं, तो उसका सिर्फ एक कारण है, वो एक कारण नेटवर्क इंडस्ट्री नहीं है, उसका सिर्फ एक कारण है, ये जगह है नेटवर्क इंडस्ट्री। लेकिन कारण है वो ये कि अगर आपके अपलाइन आपके साथ नहीं है, अगर आपके अपलाइन का प्यार आपके साथ नहीं है, तो आप जीता हुआ गेम, जीती हुई बाजी हार जाएंगे। और अगर अपलाइन की गोद में आप हैं, अपलाइन के चहेते हैं, तो हारी हुई बाजी आप जीत जाएंगे। ये जीवन भर गांठ बांध करके इसको आप लोग सब लोग रख लीजिएगा। अपलाइन वो है कि जो आपको मृत्यु दान दे सकता है इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। अपलाइन से बड़ा कुछ भी नहीं होता है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर। अपलाइन से बड़ा आपकी कंपनी भी नहीं होती है। मैंने बोला ना, कंपनी और नेटवर्क इंडस्ट्री सिर्फ बेस है, यहां सिर्फ आपको मृत्यु दान मिलेगा आपके अपलाइन आपसे कितना प्यार करते हैं। अपने अपलाइन की इज्जत करना कभी ना भूले, वो है तो आप हैं, वो है तो हम हैं। अगर गलती से आपको अच्छे अपलाइन मिल गए तो जीवन नहीं पुस्त बदल जाती है, और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। आज मेरे सारे सारे लोगों से, आप सारे पूरे ग्रुप से आप पूछ सकते हो कि मैं बहुत खुश नसीब हूं, बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे खानदान में इतने बड़े बड़े लोग हैं। आप नाम लेना शुरू करो, नवनीत सर एक डायमंड से बड़ा टर्नओवर दिया करते थे, जहां 25-27 करोड़ का टर्नओवर था बिहार और झारखंड का, वहां 24 करोड़ का टर्नओवर उनका अकेला था, 22 करोड़ का टर्नओवर उनका अकेला था। नेशनल इंटरनेशनल स्पीच देते थे, स्पीकर थे,
अनूप सर जिनके साथ आज बैठा हुआ हूं, इनके एक्साइटमेंट को अगर आप देखते हैं स्टेज पे, तो मोटरसाइकिल को भी जब बोलते थे ना कि चमचमाती हुई, तो लगता था जैसे वो मोटरसाइकिल नहीं मर्सिडीज आ रही है। वो एक्साइटमेंट था इनमें। राजेश सर क्या एक्साइटमेंट, रवीश सर थकते ही नहीं थे। हम खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं कि वैसे खानदान में हम हैं जहां आईएएस और आईपीएस की भरमार पड़ी हुई है। हम तो सिर्फ अपना नाम लेंगे तो लोग अपनी वंशावली समझ जाएंगे कि हम किस जगह से आए हैं। सचमुच बहुत खुश नसीब है, थैंक्स टू गॉड कि वाकई हम एक ऐसे जगह पे हैं। खैर बहुत कम समय हुआ इस इंडस्ट्री में, बीच में तो मैं कभी कभी कंफर्ट जोन में चला जाता हूं। एक छोटी सी हिच रह गई थी इस कोरोना पीरियड से पहले, मैं सर से बोल रहा था, एक छोटी सी हिच रह गई थी कोरोना पीरियड से पहले, वो हिच भी इस कोरोना पीरियड के समय खत्म हो गया। वो जो थोड़ी सी अंधविश्वास, थोड़ी सी विश्वास बाकी रह गई थी ना, वो विश्वास भी अब पुख्ता बन गया कि मोदी केयर जैसी कंपनी ना दोबारा युग में जन्म लेने वाली है, ये पहली और अंतिम है। इससे बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे बड़ी इंडस्ट्री वो इतनी जल्दी नहीं बन सकती। मिस मैंने हुए, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे अपलाइन ऐसे मिले, उससे कहीं ज्यादा खुश नसीब हैं हम कि मेरे डाउनलाइन ऐसे मिले। आज जो डाउनलाइन का प्यार मिलता है हमको, आज मैं जहां भी हूं अपने डाउनलाइन की वजह से, मेरे सपने सारे पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ एक दो सपने बाकी रह गए हैं जो अपने लोगों के लिए पूरा करना है। जब मैं कमा रहा था, जब मैं अपने शहर से बाहर रहता था, तो मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते थे कि राजेश अकेले अकेले कमा रहे हो, हमको बता नहीं रहे हो। लेकिन मैं डर से उनको नहीं बता पाता था कि क्या बताऊं, मैं उसको बताने जाऊंगा पता चला उसका घर फूंक जाएगा, उसके घर जल जाएंगे। आज वो वक्त आ गया है कि अब हम उनको रोशन कर सकते हैं। हमें एक ऐसी दिया सलाई मिली है जिसके एक एक तिल्ली से एक एक शहर मैं रोशन कर सकता हूं। अब आप उस दिया में देख लो, दिया सलाई में कितने तिल्ली है उतने शहर आप रोशन कर सकते हैं। बाप की तस्वीर है, आज मेरे पास भी बोलने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, बस अनूप सर के पास आना था, अपने लोगों से एक बार मुखातिब होना था। यह सफर बड़ा प्यारा रहा है और अब तो उस समय मैं बोलने में और ज्यादा सक्षम होगा जब मैं लोगों को वो सारी चाहते हैं, उनके सारी सपने उनको मैं दिला सकूंगा, अपनी वाइफ को इतनी ताकत में दे सकूंगा कि हमसे एक कदम आगे बढ़ के ये हमसे अच्छा बोल सके, वो ताकत मैं इनको दे सकूंगा। मेरे सब आपके साथ हूं, आप लोग मेरे साथ हैं, ये मेरी जय नसीबी है। आप सबके सपने दिन प्रतिदिन पूरे होते जाएं, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। अनूप सर को देख के वाकई बहुत खुशी मिलती है, बहुत मेहनत किया है उन्होंने, बहुत मेहनत किया है, और आज नहीं उस समय भी वही मेहनत कर रहे थे वो, उस समय भी उनकी मेहनत वही थी। नवनीत सर धूप पे खड़े रहते थे, उस समय जो उन्होंने मेहनत किया उसके बाद तो उनको नहीं देख पाए, लेकिन वाकई आप सब लोग, हम खुश नसीब हैं कि आप सबके छत्र छाया में हम हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। क्या बात है आप जो बोल रहे थे तो पुरानी बातें याद आने लगी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
मैं चाहूंगा कि भाभी जी भी कुछ बोले। वो तो ऐसे ही घबरा रही थी सर। नहीं तुम लोग बोलो। हेलो। यस भाभी जी, गुड बोधिकर मॉर्निंग। गुड बोधिकर मॉर्निंग सर। मैम मैम, गुड बोधिकर मॉर्निंग। गुड बोधिकर मॉर्निंग। बोलो कुछ बोलो सर, अपने बारे में बताओ। अपने बारे में बताओ बोधिकर। बहुत अच्छी लग रही है मैम। थैंक यू थैंक यू। अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। बोलो कुछ भी बोलो कुछ भी। मैम राजेश सर ने तो अपनी कहानी बताई, अब कहाँ कहाँ कैश था। मेरी कहानी इनकी कहानी से अलग नहीं है, इनके साथ ही थे 25 साल। कोई छोटा समय नहीं है, 25 साल इनके साथ बिताए हैं और हर सुख दुख हम लोग एक साथ बांटे हैं। माय गॉड, आपकी शादी को 25 साल हो गए, लगता नहीं न्यूली मैरिड है। लगता है कि 2-4 साल पहले शादी हुई है। आप तो बम फोड़ दिए कि 25 साल हो गए। सर आप ही ने बम फोड़ा है रांची में। सर आप ही ने बम फोड़ा है सबसे पहला। आप ही ने कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे दिया है सर। 15 मुझे मुझे पता है, मैं लोगों को बता रहा था। बहुत बढ़िया। सर एक अजीब छोटी सी चीज याद आती है। गुड़िया वाइफ मेरी जिंदगी में पहली बार घर से निकल के डाल्टनगंज आई थी सेमिनार लेने के लिए सर, और वहां पे इसने परिचय अपना दिया था और सारा बिजनेस मेरा खत्म हो गया, सब मैं छोड़ के चला आया। आज भगवान की मर्जी देखो सर, वही प्लामो सबसे बड़ा बिजनेस है मेरा। राजेश सर, हमारी अपलाइन सुरेखा मैम बोलती है कि जिस शहर में आप जितना इन्वेस्ट करोगे, वक्त आएगा वही शहर आपको उससे 10 गुना और 100 गुना ज्यादा रिटर्न देगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। बहुत बढ़िया। मैम आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं मोतिहारी की रहने वाली हूँ, वहीं से बचपन पढ़ाई लिखाई सारा चीज मेरा वहीं से हुआ है, और बस एक ही सपना था कि जॉब वाले लड़के से शादी करूं, और वही इन्होंने छोड़ दी। जाहिर सी बात है, इसीलिए 6 महीने आप नाराज रही और बातचीत नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन आज उस चीज का मेरे को खुशी है कि वो छोड़े कुछ पाने के लिए, उसमें मेरे को नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी वो दिख रहा है कि जो इन्होंने बोला वो सारे कुछ पूरा किए, सारे सपने सारे कुछ मेरे कदमों में ला के रखा। जो बोल देते हैं, जो एक बार वो करके रहते हैं, क्या बोलने जा रहे हैं अब तो। क्या बात है, बिल्कुल वही बोला ना कि एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। बिल्कुल। और मैम कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली एक मैसेज दे रही हैं सारी महिलाओं को कि पहले सपने लिखवा लीजिए और उसके 6 महीना बात करना छोड़ दीजिए, फिर वो चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे याद है सर आज भी, चूंकि घर परिवार बहुत अच्छा रहा, ससुराल से जब मैं निकला था तो मैं, ये इंसिडेंट वो है कि मैं मोतिहारी आके ही बिजनेस करना शुरू कर दिया था। याद होगा अनुप सर आपको, सर को तो याद है। और जब मैं मोतिहारी आ गया था, वहां पे मैं भाड़े के मकान में रह रहा था, मेरे से कोई बात नहीं करता था सर, पूरा ससुराल भरा पड़ा था, चूंकि माता जी मेरी सास एक्सपायर कर गई थी, सासों ससुर, मेरे से कोई बात नहीं करता था, पूरा परिवार पूरा ससुराल मेरे से एंटी था, सिर्फ एक मामा ससुर मेरे से बात करते थे और कोई बात नहीं करता था। मेरे माँ बाबू जी ने मेरे को छोड़ दिया था, मेरा घर परिवार पूरा मेरे को छोड़ दिया था, मेरे पूरे रिश्तेदार मतलब मेरे को देखना नहीं चाहता था कोई।